हे दोस्तों, वेलकम टू टेली प्राइम कोर्स पार्ट 66। एंड आज हम सीखने वाले हैं कुछ और बेसिक एंट्रीज जिसकी नीड आपको सर्विस सेक्टर में पड़ने वाली है। आज बेसिकली हम सीखेंगे कि कैसे आप अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आपको पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। अभी अपन ये सपोज कर रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है अरुण, जिसने क्लासेस स्टार्ट की थी, उसने अभी स्टाफ अपॉइंट किए अपने क्लासेस के लिए। तो उसने एक मेड को अपॉइंट किया 1000 रुपये में, एक कंप्यूटर ट्रेनर को अपॉइंट किया 9000 रुपये में। इसके बाद अभी इसकी एंट्री हमें नहीं करना है क्योंकि उसने सिर्फ स्टाफ्स को अपॉइंट किया है। यहाँ पे वो मंथ के एंड में कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का 2000, स्टाफ्स का 10000, शॉप रेंट का 3000, ऐसा सब। उसने कहा कि वो इन सब एक्सपेंसेस को कैश में पे कर रहा है, तो इसके लिए हमारी एंट्री बनती है सारे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी इलेक्ट्रिसिटी, शॉप रेंट और स्टाफ्स डेबिटेड टू कैश, यानी कैश को अपन क्रेडिट कर देंगे। इसके लिए हम आते हैं टैली में, मेन गेटवे में हम जाएंगे वाउचर वाले सेक्शन में। अभी हम यहाँ पे पहले पेमेंट वाउचर में हैं। यहाँ पे हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना है, फिर देते हैं 2000 रुपये। अब हम एंटर करके नीचे आएंगे, देंगे स्टाफ सैलरी, लेजर नहीं है, ऑल्ट प्लस ई करके न्यू लेजर क्रिएट करेंगे, नेम देंगे स्टाफ सैलरी, लेजर को कंट्रोल प्लस ए करके सेव करेंगे, अमाउंट देंगे 10000, एंटर करके शॉप रेंट देंगे, हमारे पास लेजर नहीं है, ऑल्ट प्लस सी करके न्यू नेम देंगे, लेजर को सेव करेंगे, फिर हम अमाउंट देंगे 3000 रुपये। अब हमारा कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट करेंगे और एंट्री को कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर देंगे। अब ये हो गया नॉर्मल पेमेंट्स और एक्सपेंसेस की एंट्री। अभी हम ये सपोज कर रहे हैं कि अरुण के कुछ स्टूडेंट है जिसने उससे सर्विसेज ली हैं, इन द सेंस उसने उनको कोर्सेस और कंप्यूटर सिखाया है, प्रोवाइड किया है। अब स्क्रीन में आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे कि उसके दो बच्चे हैं, अविनाश मनोहर और नताशा पांड्या। यहाँ पे जो अविनाश है, इसने दो कोर्सेज सीखे, MS Excel कोर्स और टेलीप्राइम कोर्स, और नताशा ने उससे सिर्फ एक कोर्स सीखा, MS Excel। अब यहाँ पे जो अविनाश है वो हमें 20000 रुपये पे कर रहा है और उस पर वो 18% GST भी मेरे को दे रहा है, जिससे उसका ओवरऑल वैल्यू बन रहा है 23600। क्योंकि हमने सर्विसेज को सेल किया है तो इसकी एंट्री हम करेंगे सेल्स वाउचर में। वैसे ही नताशा ने अरुण को सर्विसेज के बदले में 10000 रुपये दिए, इस पे अरुण उसे GST 18% ले रहा है, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू 11800 की बन रही है। इसको अरुण चाहता है कि वो टैली में पास करे, तो इसके लिए हम आते हैं अपने वाउचर वाले स्क्रीन में। यहाँ पे पहले अपन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F8, इसके बाद हम इधर पे प्रेस करेंगे Ctrl+H, जिसके बाद हमें इसको आइटम इन्वॉइस से अकाउंटिंग इन्वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट का नाम एंटर करेंगे, लेजर नहीं है, सो ऑल्ट प्लस सी करके एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे, नेम देंगे अविनाश मनोहर। इसके बाद हम यहाँ पे इसके ग्रुप में आएंगे और कुछ मेजर चेंजेस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी करके एक न्यू ग्रुप बनाएंगे, MS Excel कोर्स और टेलीप्राइम कोर्स। अब इस ग्रुप को हम सैंडरी डेटर्स के अंडर में करेंगे, और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मीन्स हम यहाँ पे ग्रुप्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अब इसको सेव कर देंगे। अब मैं इधर बैकस्पेस आऊंगा, अगेन ऑल्ट प्लस सी करके एक न्यू ग्रुप क्रिएट करूंगा। अब मैं यहाँ पे बैचेस के लिए एक ग्रुप तैयार करूंगा, क्योंकि अभी मान लो इसके अरुण के 3 बैच लगाता है, 1 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 6 PM to 7 PM टेली एक्सेल बैच। अब इसको अंडर ग्रुप करेंगे टेलीप्राइम और MS Excel कोर्स के, और इसको हम कर देंगे सेव। तो ये इनडायरेक्टली अपने सैलरी डेटर्स वाले ग्रुप के अंडर में आ रहा है। जैसे ही सेव करते हैं तो डिस्पैच डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स को स्किप कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे फीस लेनी है, तो हम एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे और प्लस सी करके, नेम देंगे टैली एक्सेल फीस, इसको अंडर ग्रुप करेंगे डायरेक्ट इनकम। देन हम यहाँ पे GST को एप्लीकेबल करेंगे, GST रेट लगाएंगे, सेल्स टैक्सेबल बनाएंगे और टैक्स रेट देंगे 18%। फिर इसको और इस लेजर को सेव। फिर हम अमाउंट देंगे 20000 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पे CGST और GST लगाएंगे, और इस एंट्री में अमाउंट के पास आके इसको एंटर करके बिल वाइज डिटेल्स में न्यू रेफरेंस का यूज करके इसको एंटर कर देंगे और एंट्री को कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर देंगे। अब जैसे हमने इस बच्चे को सर्विस से सेल्स किया, वैसे ही जब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एंट्री पास करते हैं सेल्स में। और इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं नताशा वाली एंट्री से। अब अपन यहाँ पे नताशा की एंट्री पास करते हैं, तो अगेन मैं आ गया वाउचर वाले सेक्शन में, फिर मैं एंटर करूंगा लेजर, अभी मेरे पास नहीं है, ऑल्ट प्लस सी करके न्यू लेजर क्रिएट करेंगे, नेम देंगे नताशा पांड्या, इसको अंडर ग्रुप करेंगे MS Excel कोर्स के। अगेन यहाँ पे हम एक न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे
ऑल प्लस सीकर के एम एस एक्सेल कोर्स, और इसमें अपन बैच नेम देंगे 6 to 7 PM। और इसमें भी मैं एक अंडर में ग्रुप क्रिएट करूंगा ऑल प्लस सीकर के एम एस एक्सेल बैच का, इसको अंडर ग्रुप करेंगे सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद हम यहाँ पे इन सबको सेव करते चले जाएंगे। लेजर सेव करते तो डिस्पैच डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स को स्किप करना है, फिर यहाँ पे अपना फीस वाला लेजर एंटर करना है, अमाउंट देना है 10,000, CGST SGST लगाना है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 11,800। बिल अमाउंट के पास आना है, एंटर करना है, बिल वाइज डिटेल आएगा, सेव करना है और एंट्री को एक्सेप्ट करना है। अब ये तो हमने सीख लिया सेल्स एंट्री। अब हम ये मान रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें पैसा पे कर दिया है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। इसके लिए हम आते हैं वाउचर में, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं F6। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने बच्चों के नाम एंटर करते हैं, अविनाश क्रेडिट 23,600, नताशा क्रेडिट 11,800, क्योंकि इनके पास से हमें पैसा आ रहा है। और अपन अपने कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं 35,400 से, क्योंकि हमारे पास पैसा आ चुका है कैश में, और इस एंट्री को अपन कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर देंगे। तो बस यार दोस्तों, इस कोर्स में आज के पार्ट में बस इतना ही। अभी हमने परचेज ऑफ सर्विस, परचेज करने के बाद पेमेंट की एंट्री, लोन डिपॉजिट्स की एंट्री, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री, और एट लास्ट आज हमने सेल्स की एंट्री, रिसिप्ट एंट्री सब अच्छे से कर लिया है। कुछ और छोटे मोटे टॉपिक बचे होंगे जो मैं आपके लिए बहुत जल्दी ला रहा हूँ। सो वेट फॉर दैट, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।